नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीबी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो स्पेशल रिपोर्ट में, जिसमें हर हफ्ते हम आपको नई समस्याओं से रूबरू कराते हैं। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में। जी हाँ, दिन प्रतिदिन उनके खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। एक तरफ तो हम नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, और दूसरी ही तरफ असल ज़िंदगी में आलम कुछ ऐसा है कि महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ देश इतनी प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं है? उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती क्यों जा रही है? पहले से अब में फ़र्क सिर्फ इतना आया है, पहले उन्हें घर की सामग्री समझा जाता था, और अब मनोरंजन के लिए खेलकर फेंक देने वाला खिलौना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जहां 2011 में रेप केस 272 दर्ज किए गए थे, वहीं 2015 में बढ़कर संख्या 1856 हो गई है। ये आंकड़े सिर्फ रेप से संबंधित केसों के हैं। इसके अलावा आई टीजिंग, एसिड थ्रोइंग, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ऐसे अन्य कई अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं आम जनता के बीच। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका इस विषय में क्या कहना है। एज इन द फॉरेन कंट्री दे डोंट केयर हूएवर इज अ बिग पर्सन, वेदर बिग पर्सन इफ ही हैज डन एनीथिंग रॉन्ग ही शुड बी क्रिमिनल इन द पब्लिक, देन यू नो द अदर पब्लिक दोज हू आर अवेयर दे विल बी कॉन्शियस not to do all such a kind of you know spoiling and creation of this the ladies, especially those who you know walk during night and go to their job, and that is very bad for the element those who are spoiling, and they should be punished immediately, quickly, and in the public itself, so that the other element should know there is a law, a strict law which will harm them quickly. लेडीज़ की, गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात है दिल्ली के अंदर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी नॉट टू दैट एक्सटेंट विच दी गर्ल्स नीड टू बी। वैसे तो आजकल की लड़कियाँ भी काफ़ी मतलब अपने आप को संभालने में, अपने आप को वो रखने में काफ़ी सक्षम हो गई हैं, क्योंकि जैसा जैसा माहौल बढ़ता बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सिक्योरिटी का कंसर्न दिल्ली के अंदर, तो मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर भी है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हर आदमी को सहयोग करना चाहिए इसके अंदर। 21 सेंचुरी है, बट यहाँ गर्ल्स सिक्योर नहीं है। हमें अभी भी रात को निकलने से पहले रोका जाता है अकेले। स्पेशली दिल्ली भी सेफ नहीं है, भले ये कैपिटल है। फ्रीडम की बात करते हैं सब, इक्वालिटी की बात करते हैं, बट कोई इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वुमेन स्टेम सिक्योर नहीं है। रात को 8 बजे के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को बाहर अकेले नहीं भेज सकता है। तो ये इससे क्या मैसेज जाता है? सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी मेंटेलिटी जिम्मेदार है। एक लड़की अगर सड़क पे चल रही है तो उसको लड़का ही नहीं देख रहा, उसको अंकल देख रहे हैं, अंकल उससे ज़्यादा देखते हैं। यूं जब तक गर्दन पूरी पीछे ना चली जाए, 180 डिग्री पे ना चले जाए, अंकल देखते रहते हैं। और उनकी अगर अपनी लड़की कोई ऐसे देखे तो भैया लड़ाई हो जाएगी। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी मेंटेलिटी में कहीं ना कहीं जो दोष है वो मेंटेलिटी का है। अपनी लड़कियाँ सेव करो, दूसरों की लड़कियाँ ताड़ो, ये इस टाइम मेरे ख्याल से उद्देश्य चल रहा है लोगों का। लड़कियों को एक सामाजिक तौर तरीके जो फैमिली रिलेशंस हैं और उसके हिसाब से रहना चाहिए। ड्रेस सेंस इज़ नॉट मैटर, बट जो एक संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसको भी अपने एक पॉइंट में रखते हुए समाज के साथ चलना चाहिए। समाज के कुछ गलत दिमाग वाले व्यक्ति हैं जो इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस तरह के असुरक्षित व्यवहार औरतों के साथ जो होता है उसको मोटिवेट करते हैं। वुमेन्स आर नॉट सेफ एनी वेयर, वी शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स, एंड स्पेशली क्लोदिंग ऑफ गर्ल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एस्पेक्ट। वी एज इंडिया इज अ फ्रीडम कंट्री, सो वी कैन वेयर एनीथिंग वॉट वी वॉन्ट। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट दैट द ड्रेसिंग सेंस ऑफ अ पीपल आर Nor should not be responsible that for the crime. लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि कपड़ों इज नॉट ओनली द कपड़ा, यू सी इट्स ए स्मॉल चाइल्ड इज बीइंग रेप, तो देन द कपड़ा इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर, इवन द एजेड लेडीज वो एजेड वुमेन आर कमिंग अंडर दिस ट्रैप। सो क्लोज वियरिंग ऑफ क्लोज, वियरिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, कमिंग लेट इन द नाइट, आई डोंट थिंक दिस कुड बी अ रीजन फॉर इट।
So people should have to change their mentality, come up with a positive mind, come up with a growth mind and let the things go on. प्रॉब्लम राइट इट लाइज एट द रूट लेवल बिकॉज आई थिंक हम लोगों को ब्रॉटअप भी अपने किड्स को ऐसे करना चाहिए दैट दे शुड रिस्पेक्ट वुमेन. एक्चुअली लड़कियों का जो अवेयरनेस है वो हमें जो सोसाइटी में करनी है उसके लिए है ना जो हमारे रूट लेवल है उससे हमें मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए कि जैसे मदर्स हमें हमेशा है ना लड़कियों को ही बोला जाता है कि आपको है ना सेक्रीफाइस करना है बड़े होके मतलब हमेशा सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस करना है अपने इन लॉज के लिए सेक्रीफाइस करना है बट हमें है ना बॉयज़ को भी सिखाना चाहिए जो मेल्स होते हैं जो हमारे ब्रदर्स हैं उनको भी हमें सिखाना चाहिए कि आप लोगों को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा मतलब उनका मतलब केयर वगैरह करनी चाहिए. लड़कियों को अबॉर्ट किया जाता है उसके भी मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ ही देश को आगे लेकर के जा रही हैं. मैंने देखा है यहाँ पे इंडिया में मतलब गांव में देखा है कि लोगों में मतलब जो सेक्स रेशो है मतलब वहाँ काफ़ी डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है. लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की हो गई है अब उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियली भी और थोड़ा सा मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की है उसकी इज्जत को खतरा है. देखा जाए कि हमारे दिल्ली में या कहीं भी महिलाओं की सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ कर रही है दिल्ली पुलिस पर दिल्ली पुलिस हर जगह तो नहीं है बट ये है कि महिलाओं की सेफ्टी हर जगह दिल्ली की तरह है. हम सभी की हमें अपनी मानसिकता है महिलाओं के प्रति चेंज करनी चाहिए. दिल्ली पुलिस हर जगह नहीं पहुँचेगी हर जगह दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पाएगी. कहीं ना कहीं एज ए समाज हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा. महिलाओं को हमें अच्छे भाव से देखना होगा महिलाओं के प्रति जो हमारा आचार है उसको हमें अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ेगा तभी हमारा समाज एक सभ्य समाज बन पाएगा. वुमेन सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट ने एक्शंस उठाए हैं वो ठीक है बट इट शुड बी मोर बिकॉज अभी भी वी आर नॉट सेफ अभी भी क्राइम्स हैं. सो थोड़ा सा हमें भी कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए वी शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स. खाली गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो सकता हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी आजकल क्योंकि हम देखते कोई भी लड़की सेफ नहीं अगर वो कोई अकेले जा रही है रात के टाइम हमारी पुलिस को भी कुछ करना चाहिए उसके लिए. इंडिया इज़ अ वेरी डेवलपिंग कंट्री वी शुड बी प्राउड बट देयर आर सम एलिमेंट दोज हु आर स्पॉइलिंग ऑल दिस यूनियन डेवलपमेंट एंड आई फील दोज पीपल शुड बी पनिश्ड वेदर दे आर रिलेटिव ऑफ एनी बिग पावर दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड. माई पॉइंट इज दैट अवर दिस लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट. तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो जितना ज़्यादा मतलब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें लड़कियों को लेकर के. लड़कियां होना कोई गुनाह नहीं है कुछ पाप नहीं है बस ये है कि आप उन लोगों को सब कुछ सिखाएं पढ़ाएं वो लड़कों से भी अच्छा कर सकती है. तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की आम जनता जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर अपने विचार रखे. चलिए अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बीवीबी न्यूज़.